नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में नपुंसकता, जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल सभी के हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में इंटरनेट है और इंटरनेट पर पॉर्न इजीली अवेलेबल है और बहुत ही लोग पॉर्न देखते हैं और काफी सारे लोग पॉर्न के एडिक्ट भी हो चुके हैं। पॉर्न से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है क्या? उसका जवाब आसान नहीं है। पॉर्न से कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है या पॉर्न से कुछ ऐसी समस्या नहीं होती है कि लिंग में खून की सर्कुलेशन के ऊपर उनका असर हो, लेकिन पॉर्न में जब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब पॉर्न में हायर लेवल पे चले जाते हैं, तब क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ होती है, ऐसी सेक्सुअल लाइफ की जो वीडियोस वगैरह पॉर्न्स में देखते हैं तो उसे एक्साइट ही नहीं करती है। वो उनको कुछ हायर लेवल की वीडियोस चाहिए, कुछ डिफरेंट पोजीशंस में या कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में या कुछ डिफरेंट रिलेशन वाले व्यक्तियों के साथ। जब कुछ ऐसी फैंटेसी में व्यक्ति रहते हैं या कुछ ऐसी वीडियोज देखते हैं तभी वो एक्साइट होते हैं। तो उनको जो नॉर्मल रेगुलर नॉर्मल के जो रूटीन लाइफ के जो एवरेज नॉर्मल व्यक्ति के जो सेक्स रिलेशन होते हैं, वो फैंटेसी में उनको एक्साइट ही नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा ही वो पॉर्न एडिक्शन होने की वजह से जब वो रूटीन सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो वो चीज उन्हें एक्साइट ही नहीं कर पाती है। तो वो एक रीजन बन जाता है साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो पॉर्न एडिक्शन एक जरूर ऐसा रीजन है कि जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है।